एक तरफ मोदी की सभी पड़ोसियों से बातचीत की कोशिश, पड़ोसियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और इन सब के बीच एक आतंकवादी हमला और हमले की टाइमिंग, इन सब से ही जुड़े हैं हमारे सवाल इंडिया 9 बजे में आज के लिए। पड़ोसी देशों से बातचीत की कोशिश के पीछे मोदी का इरादा क्या है? क्या नवाज शरीफ के मोदी के शपथ ग्रहण में आने से सुधर जाएंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते? क्या मोदी ने विदेश नीति में क्षेत्रीय दलों के दबाव की अनदेखी का संकेत दिया है? भाईचारा और दोस्ती के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए मोदी की ठोस रणनीति क्या है? और पड़ोसी देशों से बातचीत कर मोदी दुनिया के दूसरे देशों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इन्हीं सवालों पर हम जवाब मांगेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं वहां के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक बाबर अयाज, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक पिनाक चक्रवर्ती, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल और बीजेपी प्रवक्ता तरुण विजय। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल चक्रवर्ती साहब आपसे होगा, ये जो अचानक डेवलपमेंट हुआ है, उम्मीद नहीं थी कि शपथ ग्रहण में ऐसे सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जाएंगे और नवाज शरीफ के बारे में सस्पेंस बना हुआ है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, एक अनुमान लगाना हो कि क्या होगा सोमवार को तो क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि शरीफ साहब आएंगे, अभी वहां पे इस्लामाबाद में वार्तालाप चल रहे हैं, कुछ नेगोशिएशन भी शायद चल रहे हैं। नेगोशिएशन का मतलब मेरा ये है कि वहां पे शायद कुछ सोचा जा रहा है कि जाने के बाद अगर कुछ ना निकला इस विजिट से जी, तो फिर वो क्या कहेंगे वापस आके, तो मेरे ख्याल में इस पे चल रहा है। तो शायद वो आके कुछ कहें कि एक्सपेक्टेशन कुछ उनका ऐसा हो सकता है कि बातचीत शुरू हो जाए, जो बातचीत जो बंद है तो कॉम्पोजिट डायलॉग जो है उसको शुरू होने का संकेत शायद वो ले जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ज्योति, आपकी क्या राय है कि यहां से जाके वहां की जनता तो ये पूछेगी कि कश्मीर पर क्या बात करके आए, क्या कह करके आए आप, और कंपोजिट डायलॉग वगैरह में उनको शायद ज्यादा दिलचस्पी ना हो, आपका क्या अनुमान है कि यही एक हिचक है जिसके कारण कि नवाज शरीफ शायद पशुपश में है या वो आना चाहते हैं और फौज ने मना कर दिया है? जी संजय जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ ज़रूर आना चाहते हैं भारत। आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से उन्होंने जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं गए। जब पिछले साल नवाज शरीफ जब जीत के आए थे तब भी न्योता आया था भारत में। लेकिन छोड़िए, इन जो पुरानी बातें हैं वो तो अब पुरानी हो गई हैं। आज की तारीख में नवाज शरीफ ज़रूर भारत आना चाहते हैं और सबसे बड़ी उनकी जो अटकलें हैं, एक तो है फौज जैसे आपने अभी कहा, दूसरा है ISI और तीसरा आज शाम को हाफिज सईद ने लाहौर में कहा है और एक खुलेआम एक चुनौती दी है नवाज शरीफ को कि क्या आप भारत जाएंगे। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ को किसी के साथ कुछ नहीं कहना चाहिए, उनको साफ जो है एक प्लेन में अपने बैठ जाना चाहिए और दिल्ली आना चाहिए। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि आज की तारीख में चाहे हम नरेंद्र मोदी की राजनीति से हम सहमत हैं या नहीं, लेकिन ये जो एक इनिशिएटिव उन्होंने दक्षिण एशिया में लिया है, भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ लिया है, वो इसमें ऐसी कोई ठोस जो है बातें नहीं होने वाली कि हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही बात करेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला कि हम जो है कश्मीर पे बातचीत जो है शुरू कर देंगे, लेकिन जो बातचीत शुरू होगी जरूर होगी और उसमें नरेंद्र मोदी मुझे लगता है उनको कहना चाहिए कि हम जो है आने वाले सप्ताहों में महीनों में हम पाकिस्तान के साथ जरूर बात करना चाहते हैं सारे मुद्दों पर। बिल्कुल। तो इतना काफी होना चाहिए नवाज शरीफ के लिए कि जब वो वापस जाएं फौज को भी ये कहें कि देखिए मैं भारत गया हूं और एक मैं नए सिरे से एक बातचीत मैंने बातचीत की शुरुआत की बातचीत की शुरुआत की है। बिल्कुल। आइए यहां पर बाबर अयाज साहब को शामिल करते हैं। आपने हमारी ये बातचीत सुनी होगी, हम यही अंदाज लगा रहे थे कि कल तक क्या खबर आएगी, क्या नवाज शरीफ साहब भारत आएंगे? क्योंकि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के मिस्टर को अब ये लेटर जी अयाज साहब माफ करिएगा, आपकी आवाज हमको साफ नहीं आ रही है, हम लाइन को फिक्स करने की कोशिश करते हैं और फिर आपके पास दोबारा आते हैं। तरुण विजय जी, उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक
मारेंगे या एक ऐसा रिस्की काम शपथ ग्रहण के पहले ही कर लेंगे कि जिसमें अगर पाकिस्तान, क्योंकि हेडलाइन सार्क की बनने के बजाय पाकिस्तान की बनेगी, और किसी वजह से नवाज शरीफ नहीं आते हैं तो माना जाएगा कि इनकी एक बड़ी पहल को एक प्रकार से स्नब तो नहीं कर दिया गया? अभी आपका क्या असेसमेंट है, क्या होने जा रहा है मंडे को? देखिए, एक चट्टानी हिम्मत और आत्मविश्वास वाला नेतृत्व ही ऐसा फैसला कर सकता था, और निश्चित रूप से मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब जरूर आएंगे। ये उसी तरह की एक पहल है, हालांकि ये पाकिस्तान सेंट्रिक इनविटेशन नहीं था, लेकिन पहल वैसी ही है जैसी अटल जी ने लाहौर बस यात्रा से की थी। उस समय भी लोगों ने कहा था कि आप क्यों जा रहे हैं। और एक बात हम कह दें, ना कहने में कौन सी बहादुरी है, हाँ कहने में हिम्मत लगती है। नवाज शरीफ साहब भी आउट ऑफ बॉक्स जाके भारत आएंगे, और मोदी साहब ने भी ये कमाल करके दिखाया है। देखिए, अभी तक क्या उनकी उनके विरोधी छवि बना रहे थे कि पाकिस्तानी विरोधी हैं, जी बिल्कुल बदला लेंगे, मुस्लिम विरोधी हैं, नहीं ये बिल्कुल सब अच्छा एक झटके में साफ हो गया। लेकिन तरुण, एक बात और है कि इसी के साथ ऐसा लगता है कि बिल्कुल कैजुअल वर्कर्स को पकड़ करके हेरात में जाके कहा गया कि कुछ वारदात करके आ जाओ। क्या ये भी माना जाए कि पक्के तौर पर ये वही एलिमेंट है जिनके बारे में हम लगातार वार्न कर रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई इन लोगों को आप पीछे करिए और हमसे बात करिए, ये वही लोग इसको एक तरीके से रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं और डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति इस समय यह है कि वह खुद अपने आप से जंग कर रहा है। दहशतगर्दी में पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मुस्लिम तंजीमों द्वारा सिर्फ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। तालिबान, अफगानिस्तान, ये तमाम में उलझे हुए पाकिस्तान को हिंदुस्तान की दोस्ती की जरूरत है, और इसीलिए अगर ये मौका मिलता है, इसमें कोई कश्मीर की बात नहीं होगी, इसमें कोई आने जाने की वैसी बात नहीं होगी, लेकिन जमीन और हवा का निर्माण होगा जो बहुत बड़ी बात होगी, और ये इनिशिएटिव आगे चलकर किसी भी एक बड़े मुद्दे को सॉल्व करने के लिए एक आधार बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने बाकी देशों को भी बुलाया है, सुशील कोइराला जी और भूटान के राजा पर भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान एक अलग एक अहमियत रखता है। नवाज शरीफ साहब, इसमें एक और जो बिल्कुल जो तरुण विजय कह रहे हैं उसका एक पक्ष ये भी है कि सार्क एक प्रकार की डिफंक्ट बॉडी थी, अब एक प्रकार की वापस एक शुरुआत हुई है कि सबको साथ में लेके आ सकें तो इस इलाके में भी एक एक्टिविटी शुरू हो, आपस में दोस्तियां शुरू हो, कारोबार शुरू हो, और पाकिस्तान जाहिर है भले ही हेडलाइन बनाता हो लेकिन इन सभी देशों का मिलकर के एक साथ होना दुनिया भर में एक मैसेज भेजेगा कि भारत किस तरीके से इस इलाके में शांति और अमन देखना चाहता है। हमको उम्मीद है कि आपको भी ये कदम बहुत पसंद आया होगा नरेंद्र मोदी जी का। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमने तो जैसे ही ये ऐलान हुआ था, जब इनविटेशन भेजा, तो कांग्रेस पार्टी ने यही कहा कि ये अगर पीस के लिए और दो मुल्कों के दरमियान या सार्क के दरमियान में अच्छे रिश्तों की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम उसको वेलकम करते हैं, और वो हमने किया है जी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अहम सवालात हैं जिसके देश जवाब चाहता है, इसलिए कि पिछले दो साल में, और ख़ासतौर पर पिछले दो महीने में, दो साल नहीं सॉरी दो महीने के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन के कैंपेन में पाकिस्तान को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के जितना अटैक किया है और जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया था, और उससे पहले पिछले दस साल में हमारे किसी भी ऐसे कदम को, जब भी हमने मुलाकातें करने की कोशिश की या हम मिले जी, या इवन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स के लिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उसकी खुल करके मुखालफत की। ये बिल्कुल सही कहा, तो मुझे ये बात इस पर हम बात करेंगे नहीं आता। अफजल साहब, एक मिनट आपको रोकूंगा, पावर में आए जी, अफजल साहब सही है जी, बहुत तारीखी कदम है जी, एक मिनट आपको रोकूंगा क्योंकि बाबर अयाज साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाइन पर दोबारा आ गए हैं, तो मैं देर नहीं करना चाहता हूं कहीं दोबारा लाइन न टूट जाए। अयाज साहब, आपसे सवाल यही था कि हम लोग बहुत ही क्यूरियस हैं यहां पे ये जानने के लिए कि फाइनली नवाज शरीफ साहब क्या फैसला करेंगे और पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन क्या बन रहा है? पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन जो है बाय एंड लार्ज इस फेवर में है कि नवाज शरीफ साहब जाएं और इस मौके को ना खोएं और इस तरह से बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए ये एक पेशरफ हो तो आगे बात बढ़े, क्योंकि अभी जो कॉम्पिटिटिव डायलॉग जुटे हुए हैं, अगर सिर्फ इतनी बात भी हो जाए कि नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम कॉम्पिटिटिव डायलॉग को दोबारा शुरू करेंगे और जल्दी कोई मीटिंग होगी और कोई बात आगे की तरफ बढ़ती है, तो वो नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ वापस लाने के लिए होगा, और जो बहुत
बड़ी सी लॉबी है, मतलब वो बहुत वोकल होती है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है वो जो लोग हैं वो इस चीज की मुखालफत करते हैं। मगर यहाँ पाकिस्तान में जो ऑपोजिशन पार्टी है, बड़ी पीपल्स पार्टी, उसने भी कहा कि उनको जाना चाहिए और मीडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनको जाना चाहिए। जी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ इस चीज में थोड़े से परेशान है कि कहाँ जाएंगे तो वापस आकर क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ से ये मुद्दा भी है कि मनमोहन सिंह को जब उन्होंने बुलाया था तो वो नहीं आए थे, तो अब जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मनमोहन सिंह साहब को बुलाया गया था वो तो नहीं आए थे, आज भी आगे चले जा रहे हैं और ये कि नरेंद्र मोदी साहब खड़े सक पाते पाकिस्तान को करते रहे, ये सारी बातें जो है उनके रास्ते में आ रही है। मगर मैं समझता हूँ कि आप जी बिल्कुल उनको फैसला करना होगा जी इस तरह से जी जो है जी बिल्कुल। आइए यहाँ पर अब पिनाक सर आपसे सवाल पूछूंगा। ये आपने बात सुनी कि पहले ये तानाकशी करते थे कि आप लोग बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जब यूपीए 2 ने कई बार कोशिशें की और अब ये तुरंत सरकार बनने के पहले बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर तो कोई बहुत एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनाव के पहले कहते हैं लिबरल आवर होता है। सही बात है, आपने ठीक कहा, अंदरूनी राजनीति को अब इसमें नहीं लाना चाहिए जी, क्योंकि हमारे रिश्ते जो हैं हमारे साथ के जो देश हैं उनके साथ हमको बढ़ाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको पता है हमारी इकोनॉमिक या कनेक्टिविटीज जो हैं वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ होनी भी चाहिए, ट्रेड भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हम तो साउथ एशिया में ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम लोग 5% ट्रेड करते हैं, बाकी दूसरी दुनिया के साथ करते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 65% वो आपस में ट्रेड करते हैं और हम हैं 5%। तो हम लोगों को तो ये रिश्ते बढ़ाने ही पड़ेंगे, ट्रेड भी बढ़ाना पड़ेगा और रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे। बिल्कुल, इसमें एक बात और समझना चाहूंगा ज्योति आपसे, और वो ये कि चूंकि अफगानिस्तान से अब अमेरिकी फौज निकल जाएगी अगले कुछ महीनों में, हमारा एंगेजमेंट काफी है, हम ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं भारत सरकार के तौर पर कि इनको हमको फौजी सपोर्ट भी देना है कि नहीं देना है, क्या इस पूरी बातचीत में ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण पाकिस्तान थोड़ा इस तरह की कश्मकश में है कि क्या किया जाए? देखिए, अफगानिस्तान वाला सवाल जो है ये बहुत ही अहम सवाल है और हामिद कारजाई ने सीधा जब उनको न्योता उनके पास पहुंचा है उन्होंने बिल्कुल कोई समय नहीं लगाया और उन्होंने हार भर दी। जहां तक जो आप फौज वाली बात कर रहे हैं कि अमेरिकी फौज वहां से हट रही है और इस कुछ ही महीने में हट जाएगी, अगर आपने देखा कि हेरात में जो अफगानिस्तान के पश्चिम में जो हेरात में जो अटैक हुआ है इंडियन कॉन्सुलेट पर, तो एक तरफ नवाज शरीफ का आना भारत और दूसरी तरफ जो अटैक हुआ है इंडियन कॉन्सुलेट पे हेरात में अफगानिस्तान के अंदर, तो मुझे लगता है ये दोनों लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये किसने अटैक किया, क्या अफगान तालिबान ने किया, पाकिस्तान तालिबान ने किया, ISI ने किया है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अगर जब वो अंदरूनी बात जब बाहर निकल के आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI या पाकिस्तान की तालिबान का हाथ इसमें जरूर पाया जाएगा जो पिछले कुछ अटैक्स में पाया गया है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान की फौज है जो नवाज शरीफ का हाथ रोक रही है वो नवाज शरीफ को भारत नहीं आना देखना चाहती, तो ये जो नवाज शरीफ अपने ही फौज के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि भारत को दोनों तरफ एक अफगानिस्तान की तरफ हामिद कारजाई का हाथ थामना पड़ेगा और या जो अगले राष्ट्रपति हैं उनका, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ का भी हाथ थामना पड़ेगा, उनका भी समर्थन। बिल्कुल तरुण विजय जी, आपसे सवाल यह है जो मीम अफजल साहब ने भी जिक्र किया कि पहले इस तरह की जब भी आतंकवादी हमले होते थे तो तुरंत बीजेपी का रिएक्शन होता था कि बातचीत बंद कर दीजिए और आप ये क्या कर रहे हैं और हम टॉलरेट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। अभी एक वारदात हुई है, आज हेरात में हुई है, तो ये टेरर और टॉक, पहले वाला जो आपकी पोजीशन थी और अभी की जो पोजीशन है, कैसे रिकनसाइल करेंगे इसको? देखिए, दोनों में कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता नहीं है और मीम अफजल साहब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस को इस पर क्या कहना चाहिए। हमने उस वार्ता का विरोध किया जिसमें आप शर्मल शेख जैसे शर्मनाक समझौते करते हैं और बलूचिस्तान का पहली बार हिंदुस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान के साथ जिक्र करता, उसका तब भी विरोध किया, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे, वो कोई कारण नहीं था। जब पाकिस्तान यहाँ सरकटे शव भेजता है और हमारे फौज में यहाँ घुसपैठ करता है, उस समय आप वहाँ के विदेश सचिव, विदेश मंत्री को बुलाते हैं, जब घुसपैठ की वारदात हो गई उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो हिंदुस्तान का
विदेश मंत्री उनके साथ मिलकर खाना तो खाता है, लेकिन पाकिस्तानी जो करतूत है उसका जिक्र तक नहीं करता। इसका तब विरोध करना उचित था और हम आज भी करेंगे, भविष्य में खुदा न खासा कभी कोई ऐसी घटना होगी उस समय भी हम विरोध करेंगे। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वार्ता नहीं है, ये द्विपक्षीय चर्चा नहीं है, लेकिन इस चर्चा इसमें भविष्य के लिए जमीन और हवा बन रही है। ये जमीन और हवा बनाने की इससे नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाके मदद मिलेगी। शमीम अफजल साहब, आपसे सवाल ये है कि अंदरूनी राजनीति के तौर पर भी नरेंद्र मोदी ने एक साफ मैसेज दिया है कि हम आपके अलाइज रहे होंगे, लेकिन ऐसा फैसला करते वक्त जो अगर वाइको कुछ कह रहे हैं या जयललिता कुछ कह रही है या करुणानिधि कुछ कह रहे हैं, इस प्रकार के जो पिछले दिनों क्षेत्रीय नेताओं को विदेश नीति में कुछ इश्यूज रिजर्वेशन उठाने का या उसको डिरेल करने का मौका था, वो साफ मना कर रहे हैं कि ये सब हम नहीं सुनने वाले, क्या ये तो अच्छी बात है अफजल साहब? देखिए, एक पहली बात तो मैं आपको बताऊं, दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। जब हम बातचीत की कोशिश करें और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी मदाखलत करे तो आतंकवाद का नाम लेकर के पाकिस्तान से बात ना करने का मशवरा देती रहे, ना सिर्फ ये बल्कि एजिटेशन करे उस पर जी। ये कहें कि जब तक हमारे लोगों के सर काटे गए हैं हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे, जब तक दाऊद इब्राहिम को और हाफिज सईद को हमारे हवाले नहीं किया जाएगा हमको कोई बात नहीं करनी है और सरकार को भी नहीं करनी चाहिए जी। और जब भी कोई छोटा वाकया हो या बड़ा, अभी चार दिन पहले सरहद पर गोली चली, हमारा एक नौजवान शहीद हुआ, दो जख्मी हुए, ठीक है। मेरा आज सवाल था सर, मेरा सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, सॉरी, उस पर सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुनिए, मेरा मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि एक ही चीज पे, यानी हम अगर बात, जब हम सरकार में थे सर, आपने तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं दिया कि ये दोनों तरह की, आज अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है जिसको मदाखलत नहीं करना चाहिए। चलिए सर, आपने मदाखलत नहीं कर रहे साहब, आपने हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं जी, आपने अपनी बात रख दी सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बट यू हैव मेड योर पॉइंट ट्वाइस, मैं आपको यहां रोकूंगा। पिनाक चक्रवर्ती साहब, क्या भारत की इस पूरी विदेश नीति में मोदी जी ने जिस तेजी के साथ ये काम किया है, एक राय ये हो सकती है कि ये डाइसी इशू है, दूसरे इश्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते थे, जापान ब्रेक और कुछ कर सकते थे, लेकिन सडनली पड़ोसियों पर फोकस किया है, ये थोड़ा देर से करते जब पाकिस्तान में और माहौल तैयार हो जाता, फौज की पकड़ थोड़ी और कम होती, तब कामयाबी की उम्मीद ज्यादा होती, या आपको लग रहा है कि ये शायद हाई रिस्क लेकिन हाई रिवॉर्ड गेम हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ये नीति है, और इसमें वो उन्होंने जो ये नीति इनको बुलाने के लिए जो सार्क के लीडर्स को जी, तो ये बहुत ही मतलब माहौल इतना चेंज हो जाएगा इससे कि मुझे तो लगता है कि इससे जरूर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट निकले। इसको एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव में देखें सर, या आप थोड़ा इसमें हमको समझाएंगे बहुत संक्षेप में कि चाइना और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, चाइना तो हमेशा कहता रहता है कि आप आपस में बात करके सब फैसला कर लीजिए, पर उधर चाइना पाकिस्तान को मदद भी करता है क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ काफी कुछ करता रहता है, पर अगर पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो ये तो पूरे इस उपमहादेश के लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी रहेगा, पाकिस्तान के लिए भी रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए जी, जी, तो इसमें तो मैं मानता हूं कि ये जो मूव किया है सार्क के लीडर्स को बुलाने का, एक बात यह है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और श्री मोदी जी ने ये बहुत सोच समझ के किया है, और मैं मानता हूं ये बहुत ही बोल्ड और एड्रॉइट मूव है, एंड इट इज श्योरली गोइंग टू पे डिविडेंड्स। जी बिल्कुल, और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब मरियम नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि वो मानती हैं कि रिश्ते सुधरने चाहिए, दोनों देशों के लोगों को बात करना चाहिए शांति और अमन के साथ, और अपने जो विवाद के मुद्दे हैं उनको सुलझाना चाहिए और रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक प्रकार का संकेत भी देखा जा सकता है और एक इमोशनल पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए एक ट्वीट के तौर पर भी देखा जा सकता है। इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करेंगे, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।